मैं कुलदीप सिंह, गांव कैंथलाखुर, जिला कुरुक्षेत्र। मैंने अपने खेत में डेमो लगवाया था 10 मार्च से। डेमो लगवाने में मेरी गेहूं की फसल में जो मडुस्सी थी वो पूरी पूरी नष्ट हो गई और मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूं। और यहां पर डॉक्टर साहब ने आके डेमो का वो देखा तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमारे। कितने दिन की फसल थी? 22 दिन की गेहूँ में भी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जैसे कि आपने दक्ष प्लस का प्रयोग किस तरह से आपने किया? मैंने छट्टा लगाया जी, उसमें रेत में लगा। अच्छा अच्छा, तो अब जिस एरिया में दक्ष प्लस नहीं डली है और जिसमें आपने छट्टा लगाया है उसमें आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? जिस खेत में छट्टा लगा जी उसमें तो मडुस्सी है नहीं जी। अच्छा। और जिसमें छट्टा नहीं लगा जी उसमें बेहिसाब मडुस्सी खड़ी है। गेहूँ की फसल पर किसी तरह का कोई प्रभाव? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तो क्या आप दक्ष प्लस के इस तरह प्रयोग करने से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। मैंने पहली कणक में लगाया जी इसको। कितने एरिए, कितने किले की खेती करते हैं आप गेहूँ की? मैं 10-12 किले खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो पहले जो प्री इमरजेंस में स्प्रे में आपने कितने किले में दक्ष प्लस का यूज किया है? ये मैंने जी 5 एकड़ में किया जी। अच्छा, तो उन 5 एकड़ में के रिजल्ट कैसे हैं? उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। दूसरे जमींदार भाइयों को आप दक्ष प्लस दवाई के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सभी को, जो भी मेरे खेत को देखने आए और वो करने आए, उन्होंने खेत को देखा और वो उन्होंने कहा कि हम भी अगली बार यही दवाई यूज करेंगे दक्ष प्लस। हाँ जी, तो दक्ष प्लस सही है? हाँ सही है। धन्यवाद। क्या आप मंडूसी से हैं परेशान? तो गेहूं की फसल में मंडूसी को नियंत्रित करने के लिए 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से दक्ष प्लस का प्रयोग करें। दक्ष प्लस सही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें डॉक्टर विश्वास 8108622210।